हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाल MFF। आई नो बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मेरा फोन अपडेट किया था तो मेरा फोन डेड हो गया, तो उसको का सर्विस सेंटर उधर उधर गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉट वाल MFF। आज बात करने वाला हूँ आयरन मैन टीयर 4। यस, माई फर्स्ट टीयर 4 एंड आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज आफ्टर एक साल के बाद, बिकॉज ये अपडेट में GBR इंप्रूवमेंट के कारण ही मैं ज़्यादा 16-15 डेली फार्म कर पाया। डेली 150 मैक्सिमम है, तभी फार्म किया बिकॉज ऑफ GBR में लेके आया। उसके पहला डोरमामू में था एंड डोरमामू के लिए मैं कोई सभी लोग किकआउट करते हैं, अभी भी किकआउट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई MFF प्लेयर नॉट डूइंग, मुझे ऐसा करने लोग अच्छा नहीं लगता है। हेल्प करो सभी लोग, भी आपके पास 25% प्लेयर्स गुड टीयर 4 रहेगा तो हेल्प करो गाइस। एंड चलो अभी मैं उसके लिए गियर 30 भी करना चाहिए एंड ऑब्वियसली गियर 30 के बाद आपको प्लस आपको ऑर्बेनेडियम तो वेल्ड बॉस से मिल जाते हैं, वेल्ड बॉस लेजेंड से। उसके बाद आपको GBR खेलना पड़ेगा तो एंड ब्लास्ट बुक के लिए डोरमामू खेलना पड़ेगा। जैसे उसको बुक ऑफ अशांति उसके लिए अलग बुक है टीयर 4 के लिए। एंड ईयर बी को फाइनली दिस ईयर एनिवर्सरी गेम में तो अच्छा अच्छा हुआ, मुझे नेमोर मिला, जीन ग्रे परचेज किया एंड आयरन मैन टीयर 4 हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं लाइफ में मेरा फ़ोन डेड हो गया कम्प्लीटली, न्यू फ़ोन लिया लेकिन उसमें उतना प्रोसेसर अच्छा नहीं है एंड रियली लैग हो रहा है गाइस। तो एडजस्ट करके मैं तो गेम खेल रहा हूँ, आपको भी शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे टिप्स आएगा, एडम का न्यू यूनिफॉर्म आया, बहुत सारे न्यू थिंग्स आया गेम में एंड अपडेट रिव्यू आएगा, CTP गाइड एवरीथिंग मैं वीडियो बनाऊंगा गाइस। फाइनली माय फर्स्ट टीयर 4, आई एम रियली रियली हैप्पी। एंड बहुत सारे फोरम्स में भी देखा गया, बहुत सारे फर्स्ट टीयर 4 बोल रहे थे बिकॉज ऑफ दिस अपडेट। ये अपडेट वन द बेस्ट अपडेट, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिफॉर्म का वर्स्ट ही बोलूंगा। 3 यूनिफॉर्म मस्ट बाय यूनिफॉर्म था, बाकी सब उतना अच्छा नहीं है। उसके लिए अलग से अपडेट ऑफ द रिव्यू करके एवरी मंथ आएगा। अभी गार्डन द गैलेक्सी बस अपडेट है एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड ओ माय गॉड, रियली आई मीन टीयर 4 इज गुड गाइस, गेम के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा न्यू प्लेयर, ऐसा कोई भी नया बंदा आया गेम पे, बहुत सारा चीज तो उसको तो पहले कंफ्यूज रहेगा एंड उसके बाद बराबर कंटेंट क्रिएटर कोई उनको रेस्पॉन्स तो नहीं करेंगे, एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। एंड इसमें इतना सारा चीज है ना, ISO रू, बहुत सारा कस्टम गियर, यूनिफॉर्म अपग्रेड, कौन सा कैरेक्टर बिल्ड करो, कौन सा कैरेक्टर मत करो, कौन सा यूनिफॉर्म परचेज करने का, बहुत सारा कन्फ्यूज रहेगा। तो ऐसे लोग के लिए मैं कभी भी रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। एंड इसमें बहुत सारा स्टैट्स भी है, मतलब इसमें स्टैट्स में टीयर 4 में बहुत सारा अलग स्टैट्स दिया गया है, बम्पर स्टैट, जिससे वर्ल्ड बॉस एंड GBR के लिए अच्छा हाई डैमेज दे सके, ऐसा ही कुछ है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड उसके लिए आपके लिए और भी इनडेप्थ वीडियो आएगा, तो मेरे वीडियो के लिए लाइक करो एंड शेयर करो गाइस, बेल बटन ऑल में लगा दो जिससे आपको बहुत सारे लोग को पता चले कि मेरा वीडियो आएगा करके। ओके गाइस, देखो अभी इसमें देखो आयरन मैन में ना टीयर 4 हो गया, अभी क्या करने का, इसमें GBR में टेस्टिंग करूंगा एंड बहुत सारे हेल्प करूंगा GBR में। आई विल ट्राई टू विद 19% पीयर से ट्राई करूंगा, होगा क्या नहीं होगा आई रियली डजंट नो, होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना सारा बहुत सारा चीज़ है, आयरन मैन टीयर 4 होने के बाद मैं ज़्यादा लोग को हेल्प कर सकता हूँ GBR में। एंड उसके बाद है एडम वॉरलॉक है गाइस, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो गाइस दिस वीडियो, आई नो इट्स माय फर्स्ट वीडियो, मैं बहुत बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिन बात नहीं किया, 10 दिन में विदाउट प्लेइंग गेम्स एंड ऑल। एंड जिनग्रे को भी टीयर 3 हो गया, नेमोर को अगला कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, उसका स्किल्स एवरीथिंग, मैं कैप को रखा हूँ ऐसे स्ट्राइकर, जैसे स्ट्राइकर स्किल है गाइस, टीयर 4 इज नथिंग देन स्ट्राइकर। अभी वर्ल्ड बॉस में कोआप बटन दबाएंगे तो स्ट्राइकर आएगा ना, इससे ही है गाइस। तो हैप्पी एंड ऑफ द एनिवर्सरी, एंडिंग हो गया, एनिवर्सरी खत्म। अभी 6 महीना के बाद ब्लैक फ्राइडे आएगा एंड उसके पहले क्या क्या अपडेट आएगा गाइस, तो उसके लिए मेरे पसंद आएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।